नमस्कार, जय हिंद। प्राइड टाइम्स में मैं दीपेंद्र सिंह तंवर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, राजस्थान में कल लोकसभा सीटों के लिए कई प्रत्याशियों का ऐलान हुआ और बीजेपी ने भारत के कई स्टेट्स में अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया। 195 लोगों की लिस्ट जारी करी और राजस्थान में भी 15 लोगों की लिस्ट जारी करी है। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट के लिए कल जो पहले से सांसद है फिलहाल यहां से कैलाश चौधरी, जो कि केंद्र में मंत्री भी हैं, उनके नाम का ऐलान फिर से किया गया है। और अब बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट काफी ज्यादा आप ये मान सकते हैं कि हॉट सीट के रूप में ये मानी जा रही है, क्योंकि मानवेंद्र सिंह जसोल का भी नाम इसके लिए लगातार आ रहा था। और अब बात करते हैं हम युवा विधायक रविंद्र सिंह भाटी की। रविंद्र सिंह भाटी जो कि शिव विधानसभा से विधायक है, और जैसे ही कल कैलाश चौधरी के नाम का अनाउंसमेंट हुआ है उसके बाद से ही सोशल मीडिया पर लगातार रविंद्र भाटी के निर्दलीय लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की जो पोस्टर्स हैं, जो वीडियोस हैं, वो लगातार वायरल हो रही हैं। अब ये जो वीडियोस वायरल हो रही हैं, ये जो पोस्टर्स वायरल हो रहे हैं, क्या रविंद्र सिंह भाटी सच में चुनाव लड़ने वाले हैं? क्योंकि कोई भरोसा नहीं है। रविंद्र सिंह भाटी ने जब भाजपा ज्वाइन करी थी तब ये बात आई थी कि उन्हें टिकट मिलेगा, टिकट नहीं मिला, लेकिन उन्होंने ताल ठोक कर निर्दलीय चुनाव लड़ा और वो जीते। अभी कुछ दिनों पहले एक इंटरव्यू में भी उन्होंने मना नहीं किया था चुनाव लड़ने से, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से कैलाश चौधरी का नाम अब फाइनल हो गया है, तो 7 तारीख को रविंद्र सिंह भाटी जो लंदन वहां पर गए हुए हैं, 7 तारीख को वहां से वापस आने की उनकी उम्मीद है। 6 या 7 को इंडिया वो आ जाएंगे वापस। उसके बाद में वो अपने पत्ते खोलेंगे कि क्या वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, क्या वो सपोर्ट करेंगे बीजेपी का या किसी अन्य प्रत्याशी का सपोर्ट करेंगे। अभी तक रविंद्र सिंह भाटी की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन सोशल मीडिया पर जिस तरीके की जो फोटोज आप देख रहे हैं, जो पोस्ट आप देख रहे हैं, जो बैनर आप देख रहे हैं, जिसमें लगातार ये बातें सामने आ रही हैं कि रविंद्र सिंह भाटी अब निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, इस बारे में अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है, ना रविंद्र सिंह भाटी ने कुछ कहा है। लेकिन 7 तारीख या 6 तारीख को जब भी वो लंदन से वापस आएंगे तो रविंद्र सिंह भाटी अपने पत्ते खोलेंगे कि क्या लोकसभा चुनाव के लिए वो अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं, क्या वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि बीजेपी की तरफ से सीट फाइनल हो गई है और उनकी विचारधारा बीजेपी की ही मानी जाती है, क्योंकि वो पहले एबीवीपी से जुड़े थे, फिर भाजपा में गए, लेकिन उसके बाद जब टिकट नहीं मिली रविंद्र सिंह भाटी ने निर्दलीय ताल ठोकी और अपने दम पर और जनता के विश्वास पर वो चुनाव जीत कर आए। यही हाल अब लोकसभा चुनाव को लेकर है, क्योंकि बाड़मेर जैसलमेर की सीट को लेकर रविंद्र सिंह भाटी का नाम लगातार चर्चाओं में चल रहा था। लगातार रविंद्र सिंह भाटी भी इस चीज से डिनाई नहीं कर रहे थे, वो भी मना नहीं कर रहे थे कि भाई वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब जिस तरीके से ये जो टिकट फाइनल हुआ है उसके बाद रविंद्र सिंह भाटी का क्या रिएक्शन होता है वो देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। इस बारे में कोई अपडेट आएगी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। ब्राइट टाइम्स के साथ बने रहें। जय हिंद।